नमस्कार सर, मेरा नाम कांजिया रमेश, 26 वार्ड प्रेसिडेंट हूँ सर बीजेपी का। और मेरा ये सवाल है आपसे कि हमारा सीएम चंद्रबाबू नायडू जी ऐसा पुकार रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो फंडिंग आ रहा है वो कुछ भी हमको नहीं मिल रहा है। पहली बात रिसोर्स गैप फंडिंग, दूसरी बात है सर पुलवरम प्रोजेक्ट जो बन रहा है उसका कुछ भी फंडिंग नहीं मिल रहा है। और उनका ये भी कहना है कि पुलवरम प्रोजेक्ट उनका बनाया हुआ प्रोजेक्ट है। और सबसे मेन बात है सर स्पेशल स्टेटस जो है वो भी नहीं दे रहा करके झूठा सवाल इतना पैदा कर रहा है कि लोग कंफ्यूज होने लगा कि सच में सेंट्रल से इतना सपोर्ट मिल रहा कि नहीं मिल रहा है। और मेन बात सर रेलवे जोन जो है इसका वजह से भी हमारा विशाखापट्टनम लोग बहुत वेट कर रहे हैं सर, ये भी कंफर्म होने से इससे ज़्यादा खुशी के बाद हमारा विशाखापट्टनम का कुछ और नहीं रह सकता सर। थैंक यू। रमेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। देखिए जब चारों तरफ झूठ चलता है, झूठी बातें फैलाई जाती हैं, सरकारी साधनों का भरपूर दुरुपयोग किए कर करके झूठ फैलाया जाता है, तो ऐसे समय सबसे बड़ा हथियार होता है सत्य, 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 सिर्फ और सिर्फ सत्य। ट्रूथ, ट्रूथ एंड ओनली ट्रूथ कैन डिफीट सुनामी ऑफ लाइज। वी मस्ट आस्क the right questions to those in power to defeat their propaganda. This will also give people a chance to evaluate who is right and who is wrong. Let me tell you some facts. Close to 20,000 crore rupees have been released as resource gap and revenue deficit funding. This money has been released. If they say that the Andhra government has not received it, then the money has gone into whose pockets? Where is the money meant for the welfare of the people of Andhra Pradesh going? We should ask this question. Over 1,000 crore rupees have been released for backward districts. 1,000 crore rupees. The state government was not able to provide timely utilization certificate. Why is it that the state government was not able to utilize the money? We should ask this question. Due to our efforts, Polavaram irrigation project has been declared as a national project. It is a 100% central government funded project. We have so far released around 7,000 crore rupees. The state government was keen to be the executor of the work. We also accepted that. If CAG reports are to be believed, they have also turned out to be inefficient in execution. Why are they not able to execute this project properly? We must ask this question. In Andhra Pradesh, we have sanctioned and started 10 educational institutions of national importance. And that is mentioned in the AP Reorganization Act 2014. They include AIIMS,
आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ट्राइबल यूनिवर्सिटी, नो स्टेट एवर इन दिस हिस्ट्री ऑफ इंडिया रिसीव एज मैनी इंस्टीट्यूशंस एज आंध्र प्रदेश डिड इन द लास्ट फोर इयर्स. वी मस्ट आस्क द टीडीपी एंड द कांग्रेस व्हाई दे डिड नॉट सेट अप एनी सच हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस व्हेन दे रूल्ड स्टेट फॉर ऑल दिस डेकेड्स. After these questions, ask one last question. Has any previous central government done so much for the state of Andhra Pradesh? Our government has worked hard for the people of Andhra in the past, is working hard in the present, and will continue working hard in the future of the people of Andhra Pradesh. This is our commitment. Central government is fully committed to the welfare of Andhra Pradesh. और इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आंध्र के नागरिकों का जो हक है उसको पूरा करने के लिए हम प्रतिबद्ध है. लेकिन वहां सरकार में बैठे लोगों को पाई पाई का हिसाब देते रहना पड़ेगा. सारी जानकारियां स्पष्ट होनी चाहिए और सरकार अकाउंट मांगेगी. ये जनता का पैसा है, बिना हिसाब से गाड़ी नहीं चलेगी. और आप भी, आंध्र के लोग भी विश्वास करेंगे कि पैसा इधर उधर जाना नहीं चाहिए. जिस काम के लिए पैसा आता है उस काम में खर्च होना चाहिए, समय पे खर्च होना चाहिए, पूरा पूरा खर्च होना चाहिए, पाई पाई का हिसाब होना चाहिए और हिसाब भारत सरकार को मिलना चाहिए.